हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं BLB लिमिटेड शेयर के बारे। आज हम लोग BLB लिमिटेड शेयर का ये चार टॉपिक जानने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे है: रिटर्न्स, शेयर होल्डिंग्स, टारगेटेड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, चलते हैं हम लोग रिटर्न्स पे। फर्स्ट हम लोग रिटर्न जानेंगे और लास्ट में फंडामेंटल्स, ठीक है फ्रेंड। तो आ चुके फ्रेंड हम लोग रिटर्न्स पे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है इस शेयर ने, 2 साल, 3 साल और 5 साल, 5 साल में। और बाकी सब में बस एक नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पे 6 मंथ में, और बाकी हर जगह पॉजिटिव रिटर्न है। 1 वीक में आप देख सकते हैं, 1 वीक में आप देख सकते हैं 6%, 6% लगभग 6% का रिटर्न है। 1 मंथ में 15% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ में 11% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर में 6% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग एक बार इसका शेयर होल्डिंग्स भी देखेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसका शेयर होल्डिंग्स भी अच्छा है, 50% से ऊपर है। 51.53% की होल्डिंग है प्रमोटर की। FII की 8.65% की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग 39.81% की है और अदर होल्डिंग 0.01% है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चल के जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग BLB के चार्ट पे। मैंने डे कैंडल सेट करके रखा है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं डे कैंडल यूज़ करता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली कैंडल यूज़ करता हूँ। तो देखिए शॉर्ट टर्म में इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 21 रुपये 55 पैसे का। सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 22 रुपये 60 पैसे का। थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 24 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करें इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 20 रुपये 15 पैसे का, 20 रुपये 15 पैसे का। इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 19 रुपये 10 पैसे का, 19 रुपये 10 पैसे का। और इसका जो थर्ड स्टॉप लॉस होगा वो होगा 17 रुपये 70 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म के टारगेट्स पे। उसके लिए मैं वीकली कैंडल लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये किस तरीके से ग्रीन 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 बना रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग जो पॉइंट है इसका, यहाँ आप लोग देखिए, ठीक है। और अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर आप लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा इसमें। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं टारगेट्स की। तो लॉन्ग टर्म पर इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 24 रुपये 15 पैसे का, 24 रुपये 15 पैसे का। सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 33 रुपया 90 पैसा, 33 रुपये 90 पैसा का, ठीक है फ्रेंड। और इसका थर्ड टारगेट होगा 33 रुपया 90 पैसा, सॉरी सेकंड टारगेट होगा 33 रुपया 90 पैसा। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 43 रुपया 75 पैसा, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। इसका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो होगा 14 रुपये 30 पैसे का, 14 रुपये 30 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। इसका जो सेकंड स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो होगा 10 रुपये का। और इसका जो थर्ड स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4 रुपये 55 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। तो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में टारगेट और स्टॉप लॉस को जाना फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल्स पे, जहां हम लोग ओवरव्यू देखेंगे और BLB लिमिटेड का ओवरव्यू देखेंगे, इवेंट्स देखेंगे और न्यूज़ भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल्स पे। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स पे। ये एक स्मॉल कैप का शेयर है। यहाँ BLB लिमिटेड देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है इसका। हम लोग अभी ओवरव्यू पे हैं। 52 वीक हाई की बात करें 38 रुपये, 52 वीक लो की बात करें 17 रुपये 60 पैसा है। मार्केट कैप की बात करें 107 करोड़ का ये मार्केट कैप है इसका। ये एक स्मॉल कैप का शेयर है। और शेयर होल्डर्स की बात करें 9.42K इसका शेयर होल्डर्स है। मंथली रिटर्न देखिए 15% से ज़्यादा है। ईयरली रिटर्न देखिए जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ
6% से ज़्यादा है, ठीक है। पी रेशियो देख सकते हैं, पी वी रेशियो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड इवेंट्स पे, एक बार इवेंट्स देखते हैं। इसका इवेंट्स की बात करें फ्रेंड, तो इसका जो लास्ट इवेंट है वो 22 अगस्त 2023, मतलब कल अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं न्यूज़ की, कोई न्यूज़ लेटेस्ट है कि नहीं। न्यूज़ की बात करें फ्रेंड, तो इस शेयर पे कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, तो हम लोग इस शेयर पे किसी भी टाइप के न्यूज़ का बात नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।